हेलो फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सी एफ ओ को हायर करने के लिए एक एडवर्टिजमेंट जारी की है एंड उसमें अपने चेयरमैन के कंपैरिजन में थ्री टाइम्स सैलरी देने की बात की है तो इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आ रहे हैं इस पर्टिकुलर थिंग से कि ये सी एफ ओ को हायर कर रहे हैं क्या सैलरी दे रहे हैं क्या क्वालिफिकेशन है और चेयरमैन की सैलरी क्या है प्राइवेट सेक्टर्स में क्या है तो इसको आइए समझते काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट विडियो होने वाला है तो CFO पोजीशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसलिए आई बिकॉज़ जो फॉरमर CFO प्रशांत कुमार उनको यस yes बैंक का सीईओ बना दिया गया अभी मार्च में क्योंकि SBI स्टेप इन किया यस बैंक डूबने के कगार पे था तो प्रशांत कुमार को ले लिया गया तो ये जो नया CFO है SBI अब अपॉइंट करेगा उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 3 इयर्स एंड 2 साल और परमानेंट जॉब नहीं है सो टेक्निकलीस बी आई के पे स्केल से बियॉन्ड शायद लेकर इंप्लॉय दिखाना था अदरवाइज ये लोग प्राइवेट सेक्टर से तो राइट टैलेंट को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते थ्री ईयर्स प्लस टू ईयर्स का उसका सी टी सी क्या है सी टी सी एनुअल सी टी सी पर्क लिखा है सेवेंटी फाइव लाख से वन करोड़ तक का है आई एन आर बेसिक क्वालिफिकेशन हो, well होनी चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट सो वन गुड थिंग की आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर चुके हैं या कर रहे हैं तो एक दिन आप एस के सी बन सकते हैं आरबीआई ने भी एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि हाँ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को एस में बना सकते हैं सी एफ ओ प्रफर्ड है कि अगर आप एफ आर एम और सी एफ इट इज फाइन बट बेसिक आपका फर्स्ट डिग्री ऑफ एलिमिनेशन होगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री के बेसिस पे एक्सपीरियंस फिफ्टीन ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ऑन फर्स्ट अप्रैल फाइनेंशियल ऑपरेशन में अकाउंटिंग टैक्सेशन और या तो आप बैंक में हो या किसी लार्ज कॉर्पोरेट में हो पी एस सी ओस में हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो या फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हो कहीं पर भी हो दस साल तो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ही होने चाहिए इस पंद्रह साल के अंदर ऑफ विच फाइव ईयर शुड बी एट अ सीनियर मैनेजमेंट लेवल एप्लीकेशन डेडलाइन इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ फीस आपको करनी है नाइन्थ जून से स्टार्ट हो रहा है विंडो और ट्वेंटी जून तक ये रहेगा तो ऑलमोस्ट सिर्फ वीक्स का विंडो है लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है क्या सीए तो नहीं है सीईओ को रिपोर्ट करेगा और सीओ की सैलरी सी की सैलरी से कम होगी तो थ्री टाइम सैलरी होगी तो एस चेयरमैन ने जो वाइड सैलरी गैप है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में उसके ऊपर अभी काफी डिबेट छेड़ दिया बिकॉज

चीफ है इनका एनुअल रेन्यूमरेशन जो था ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव थ्री लैक्स था एफ आई ट्वेंटी नाइनटीन के लिए इन कंपैरिजन, आदित्य पुरी जो एच डी एफ सी के सिमिलर पोजीशन हैंडल करते हैं एच डी एफ सी बैंक का जो एसेट्स है एस बी आई का वन थर्ड है उनका जो सी है उनकी सैलरी फिफ्टी फाइव पॉइंट एट सेवन करोड़ थी एफ नाइनटीन में ग्रॉस सैलरी टेन पॉइंट सेवन थ्री स्टॉक ऑप्शन टू करोड़ के एन अदर्स मिला के फिफ्टी फाइव पॉइंट एट सेवन इन कंपेरिजन रजनीश कुमार एस बी आई ट्वेंटी पॉइंट फाइव थ्री लैक्स तो आप कंपेरिजन करके ही आप समझ लीजिए कि जो सी और एम हैं है पी एस यू बैंक का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलमोस्ट सेम है ड्यूटीज उतनी ही सेम है जो प्राइवेट सेक्टर में है, बट ये एकदम अजीब है अगर आप देखें कि पर डे स्टेट रंग बैंकों का तो साढ़े आठ हजार चार लाख रुपए घर लेके जा रहा है कोटक महिंद्रा बैंक तीन लाख चालीस हजार रुपया लेके जा रहा है एक्सिस करीब ढाई लाख आईसीआईसीआई करीब दो लाख यस बैंक नब्बे हजार लेके जा रहा और एस का सी ओ आठ हजार पंजाब नेशनल बैंक का सी ओ नौ हजार दो सौ पचास बैंक ऑफ बड़ोडा नौ हजार दो सौ बैंक ऑफ इंडिया आठ हजार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आठ हजार दो सौ तो बहुत लोग क्लियरली बोलेंगे ना भाई आप फिर एफिशिएंसी कैसे ला सकते हो जब आपका प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक के बीच में इतना गैप है पे का सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतना डिफरेंट पे या तो वो सिस्टम इनफिशियंट होगा या वो सिस्टम करप्ट होगा तो इस वीडियो का यही माध्यम था कि ये जो सी एफ ओ का जो पोजिशन एटलीस्ट ये लोग लेके आए हैं इट इज एटलीस्ट गुड कि आप पिचहत्तर लाख ,00 से एक करोड़ ,00 तक का बंदे को जॉब तो दे रहे हो बट यही चैलेंज है कि अगर आपकी बॉस की सैलरी आपसे वन थर्ड होगी तो आप उस बॉस को कैसे रिपोर्ट करोगे तो ये वक्त बताएगा कि एस बी आई इस चीज़ को कैसे लेके आएगा बट ये तीन साल प्लस दो साल का कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का जो पोजिशन है इसके लिए आपको अप्लाई करना ही चाहिए एंड इट इज गोट टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस अगर आपको वहाँ पे मिल जाता है बिकॉज पिचहत्तर लाख से एक करोड़ इज क्वाइट अ गुड सम ऑफ मनी अगर आपका वहाँ पे हो जाता है तो प्लीज़ अप्लाई करिए एंड एंजॉय करिए